कोरोना की चैन को ब्रेक लगाने के लिए जिला कलेक्टर ने जिले नांदेड़ में 12 जुलाई की शब से सख्त लॉकडाउन कर्फ्यू का ऐलान किया था। आखिरी दिनों में इसमें मजीद 3 दिन की तौसी भी की गई थी, जो कल शाम खत्म हो गई है और आज से दुकानें और दूसरे कारोबार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। शब 9 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। जिला कलेक्टर ने अब हर हफ्ता इतवार को जिले में तमाम कारोबार बंद रखने का भी ऐलान किया है, ताकि बाजारों दुकानों पर रश ना हो और कोरोना की चैन को ब्रेक लगाने में मदद मिल सके। आज से जो कारोबार दुकानें तिजारती इदारे खोले गए हैं, इनमें शराब की दुकानें, मेडिकल खिदमात, टैक्सी, ऑटो, फोर व्हीलर, इंडस्ट्री, खानगी तामीराती इदारे, ज़रूरी खिदमात फराहम करने वाले इदारे, खानगी दफातर, सरकारी दफातर, बैंक मालियाती इदारे, कोरियर, पोस्टल सर्विस, हेयर कटिंग सलून, होम डिलीवरी देने वाले रेस्टोरेंट, रजिस्ट्री ऑफिस, आरटीओ ऑफिस खुले रहेंगे, जबकि सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, असेंबली हॉल, तमाम सामाजिक, सियासी, तालीमी, सकाफती, मजहबी प्रोग्राम, मजहबी इबादत गाहें, होटलें, रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। ज़ईफ अफराद के घूमने फिरने पर पाबंदी रहेगी। काम की जगह दुकानों में हैंड वॉश, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल लाजमी रहेगा। वक्त वाहिद में दुकान में 5 से ज़्यादा गाहक को दाखिला ना देना होगा। दुकान मालिक और मुलाजिम जो मास्क लगाना होगा। ऐसा ना करने की सूरत में 1,000 रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। 5 बजे के बाद अगर दुकान खुली रहती है तो 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। रास्ते पर मास्क ना लगाने पर, रास्ते पर थूकने पर जुर्माना वसूल किया जाएगा। शादी ब्याह सुबह 7 बजे से 5 बजे के दरमियान करना होगा। 50 से ज़्यादा अफराद शिरकत नहीं कर सकते। अब देखना यह है कि ज़िले की अवाम इस पर कितना अमल करती है। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, शोकेस, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, ऑफिस टेबल, चेयर, कंप्यूटर टेबल, नील कमल फर्नीचर और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपरेटर मौलाना मोहम्मद शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल, फ्रूट मार्केट के सामने, माल टेकरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज़, और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।